good morning students today we will learn new chapter from your computer textbook open page number 38 lesson number 5 editing text in ms word 2007 microsoft word is an application software used for word processing इट वॉज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एम एस वर्ड हैज़ द पावर एंड फ्लेक्सीबिलिटी टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं ये इट वॉज इन इंट्रोड्यूसड बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंट्रोड्यूस किया है इसको अभी उसका पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है वो देखेंगे प्रोड्यूस लेटर्स रिपोर्ट्स नोटिस न्यूज लेटर्स बुक्स बिल्स एक्सेट्रा क्यूकली एंड इन ए प्रजेंटेबल मैनर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करके लेटर्स बना सकते हैं रिपोर्ट नोटिसेस न्यूज लेटर्स बुक्स बिल्स सब बना सकते हैं वो भी अच्छे प्रजेंटेबल मैनर में बना सकते हैं मॉडिफाई द टेक्स्ट बोथ वाइल्ड टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग हमको उसका टेक्स्ट मॉडिफ़ाई कर सकते हैं टाइप करने के टाइम भी कर सकते हैं टाइपिंग करने के बाद भी हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं ब्यूटिफुली द टेक्स्ट यूजिंग कलर स्टाइल फोन साइज बॉर्डर शेडिंग एंड वेरियस अदर इफेक्ट्स हमको कलर अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं स्टाइल अलग यूज़ कर सकते हैं फ़ोन साइज अलग यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर भी डाल सकते हैं शेडिंग देना तो शेडिंग दे सकते हैं दूसरे भी अदर इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इंसर्ट ग्राफिक्स एंड मेक यूज ऑफ वेरियस ड्राॅइंग टूल्स टू ड्रॉ पिक्चर्स ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकता है ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकता है फिर ड्राॅइंग टूल्स यूज करके ड्रॉ भी कर सकता है कॉपी एंड मूव द टेक्स फ्राम वन लोकेशन टू अनदर हमको टेक्स्ट एक जगह से दूसरे जगह पे कॉपी भी कर सकते हैं मूव भी कर सकते हैं प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग इट प्रिंट करने से पहले हमको वो टेक्स्ट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं टेक मल्टीपल प्रिंट आउट्स एक साथ में बहुत सारे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं नाउ स्टार्टिंग एम एस वर्ड द वर्ड एप्लीकेशन ओपन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विथ द टेम्पररी नेम डॉक्यूमेंट वन जब वर्ड स्टार्ट करते हैं तो पहला एक डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका नाम क्या है डॉक्यूमेंट वन द स्मॉल ब्लिंगिंग वर्टिकल लाइन दैट यू नोटिस ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द इंसर्शन पॉइंट और कर्सर उसमें जो ब्लिंग लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट या और करसर बोलते हैं इट इंडिकेट्स द पोजिशन वर् द नेक्स्ट टाइप कैरेक्टर विल अपियर वो इंडिकेट क्या करता है कर्सर कहाँ पे टेक्स्ट आएंगे वो दिखाते हैं हैस यू स्टार्ट टाइपिंग द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द राइट हम ऐसा टाइप करने के टाइम कर्सर ऑटोमेटिकली राइट साइड में शिफ्ट होते जाएंगे वी कैन एंटर द टेक्स्ट ऑन द सेम स्क्रीन और क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट हमको सेम स्क्रीन में भी टाइप कर सकते हैं या नया डॉक्यूमेंट बनाना तो वो भी बना सकते हैं एंटरिंग द टेक्स्ट स्टार्ट टाइपिंग ए पैराग्राफ इन ए न्यू डॉक्यूमेंट वाइल्ड टाइपिंग यू विल ऑब्सर्व द वर्ड रैप्स द टैक्स ऑटोमेटिकली एंड मूव दर्ड्स दैट डू नॉट फिट इन द कर लाइन टू द नेक्स्ट लाइन टाइप द गिवन टेक्सट एंड ऑब्सर्व द रैप इफेक्ट इसमें हम टाइप करने के टाइम क्या होते हैं उसको ऑटोमेटिकली अलाइन करते हैं वर्ड में उसको अगर वो लाइन पर नहीं आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में वो ले लेते हैं बड़ा वर्ड्स है बड़ा ये सब आएगा तो अगर वो लाइन में फिट नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली ले लेते हैं नॉलेज इज इंफॉर्मेशन इट इज़ पोटेंशियल इट इज़ ए पोटेंशियल पावर बट इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन। लर्निंग इज लाइक इसमें ये हमको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है टाइप करने के लिए कंप्यूटर में नॉलेज इज़ इंफॉर्मेशन नॉलेज इंफॉर्मेशन होता है इट इज़ ए पोटेंशियल पावर पोटेंशियल पावर है बट इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज़ एक्टेड अपॉन हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे तब भी उसका पावर आएंगे हम खाली नॉलेज लेके कुछ नहीं होने वाला है उसको हमको उस हिसाब से यूज़ करना है नॉलेज को एक्ट करना है लर्निंग इज़ लाइक ईटिंग फूड इट इज़ नॉट हाउ मच यू ईट दैट मैटर्स व्हाट काउंट्स इज हाउ मच यू डाइजेस्ट लर्निंग क्या है हम जैस खाना खाते हैं ऐसा ही होता है उसमें कितना खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें से कितना डाइजेस्ट हुआ वो इम्पोर्टेंट है हमने कितना पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें से कितना आपको लर्न हुआ वो इम्पोर्टेंट है इसमें क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट्स नो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करने? Office button. Office button करना है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन ऑफिस बटन में क्लिक करो उसमें से न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना ए न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ एम एस वर्ड विंडो सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना या क्लिक ऑन द न्यू बटन ऑन द क्यूक एक्सेस टूल बार ये स्टेप से भी कर सकते हैं नहीं तो क्यूक एक्सेस टूल बार में न्यू बटन में क्लिक करेगा तो भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे शॉर्टकट की क्या है उसके लिए कंट्रोल प्लस एन सेविंग ए डॉक्यूमेंट उसके बाद हम टाइप करने के बाद सेव कैसे करेंगे क्लिक ऑन द ऑफिस बटन ऑफिस बटन में क्लिक करो उसमें से सेव ऑप्शन सेलेक्ट करो द सेवास डायलॉग बॉक्स विल विलाप्य सेवास बॉक्स आएगा उसमें टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स उसमें हमको जो फाइल नेम चाहिए उसमें टाइप करना है क्लिक ऑन द सेव बटन उसमें क्लिक करो नहीं है तो दूसरा मेथड क्या है क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्यूक एक्सेस टूल बार क्यूक एक्सेस टूल बार में सेव बटन में क्लिक करना है उसका शॉर्टकट की कौन से कंट्रोल प्लस एस क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन क्लोज ऑप्शन क्लोज करने के लिए क्या करना है ऑफिस बटन में क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट करना है इफ़ द फाइल इज़ नॉट सेव्ड ए मैसेज बॉक्स अपर फ़ाइल आपने सेव नहीं किया तो एक मैसेज आएंगे क्लिक ऑन यस इफ़ यू वांट टू सेव द फ़ाइल अगर आपको वो फाइल सेव करना है तो यस yes में क्लिक करना है इफ़ यू डोंट वांट टू सेव द चेंजेस सेलेक्ट नो ऑप्शन अगर सेव नहीं करना है तो नो no ऑप्शन में सेलेक्ट करना है शॉर्टकट की कौन सा है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन

शॉर्टकट की किस क्या है ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ अभी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे आगे का पोर्शन थैंक यू